को फोर थर थर कांपता है आज भी एक नाम से जिसने खैबर को उखाड़ा था बड़े आराम से जिसने हमें चिढ़ाता है मगर सुन हबीबुल्लाह फैजी का ये शेर सुन ले कि तेरा मिटना तो मुकद्दर है वो दिन भी आएगा तेरा मिटना तो मुकद्दर है वो दिन भी आएगा कि तेरा मिटना तो मुकद्दर है आएगा कि तेरा मिटना कि तेरा मिटना तो मुकद्दर है वो दिन भी आएगा कुफर क्यों टकरा रहा है मजहब इस्लाम से वाह 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 नारे तकबीर मजहब इस्लाम मसलके आला है मजहब इस्लाम मुझे कुफर क्यों टकरा रहा है आप बोल दीजिए आपको बोलना है आखिर में क्या कि कुफर क्यों टकरा रहा है कि तेरा मिटना तो मुकद्दर है वो दिन भी आएगा कि तेरा मिटना तो मुकद्दर है वो दिन भी आएगा कुफर क्यों टकरा रहा है मजहब इस्लाम से कुफर क्यों टकरा रहा मजहब इस्लाम से कुफर क्यों टकरा रहा है मजहब इस्लाम से अब एक शेर आला हजरत की बारगाह में हबीबुल्लाह फैजी पढ़ता है ए मेरे अहमद रजा खां अहले सुन्नत के इमाम ए मेरे अहमद रजा खां अहले सुन्नत के इमाम ए मेरे अख्तर रजा खां अहले सुन्नत के कसर बातिल अब लर्जा है तुम्हारे नाम से कसर बातिल अब लर्जा है तुम्हारे नाम से कुफर थर थर कांपता है आज भी एक नाम से जिसने खैबर को उखाड़ा था बड़े आराम सुभान अल्लाह मक्ता सुन लीजिए ज्यादा चिल्लाना नहीं फैजी ये नाते पाक है ज्यादा चिल्लाना नहीं फैजी ये नाते पाक के ज्यादा चिल्लाना
नहीं फैजी ये नाते पाक है के ज्यादा चिल्ला ना नहीं फैजी ये नाते पाक है फर्क कुछ पड़ता नहीं दस बीस के नाम से फर्क कुछ पड़ता नहीं दस बीस के नाम से कुफर थर थर का होता है आज भी एक नाम से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। एक और फरमाइश के एक बन मैं पहुंचाता हूं फिर इंशाल्लाह।